हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। और आपको याद होगा लास्ट हमारा लेक्चर काफ़ी अमेजिंग रहा था, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और आपको मैंने पढ़ाई थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही डीप डिटेल में, और उसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी कंटेंट के साथ आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग लेक्चर। तो जैसा कि पहला आप देख रहे हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब कोई भी चीज़ अगर फिजिक्स में देखें अपनी पोजिशन को चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। पोजीशन जब चेंज होगी तभी हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा था। अब केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट क्या, केमिस्ट्री में भी यही है कि जब कोई केमिकल सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन ये क्यों जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये कौन बताएगा। तो इसमें बड़ा अच्छा सा हम एग्जाम्पल देंगे, सारी ट्रिक्स बताएंगे जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है कि वेन अ मोर रिएक्टिव भी बोलते हैं, एक्टिव भी बोलते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, याद रखिएगा, रिएक्टिव बोलिए या एक्टिव बोलिए, ठीक है ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, भगा देगा, किसको, डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब ये तो सभी ने पढ़ा है किताबें में, वही कोई नई चीज तो मैं बता नहीं रहा हूं, मजा इसके बाद आएगा। तो वेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कहां से, उसके कंपाउंड से, वो किसी कंपाउंड में होगा ना, फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड, या दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, ये था ए और ये था बी और सी। तो ये कंपाउंड है, साफ आपको दिखाई दे रहा है बी और सी आपस में कंबाइन होंगे, इनकी वैलेंसी अगर हमें पता चल जाए तो हम उसके हिसाब से बना देंगे। बट अभी दोनों की वैलेंसी 1 है, या 2-2 भी हो सकती है, या 3-3 भी हो सकती है, इसलिए यहां पे कोई भी सब स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, तो उसको तो फालतू की चीज होगी डिस्कस करना अभी। अब मान लीजिए ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो ए मारेगा बी को किक, भाई मेरे अंदर ज्यादा ताकत है, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, तो भाई मैं रहूंगा सी के साथ, ठीक है। तो उसने उसको हटा दिया, भाई लड़ाई हुई होगी दोनों में, बी कह रहा है मैं नहीं हट रहा हूं, बट बी है कमजोर, तो ए ने बी को मार दी किक और ये बन गया आपका ए सी, बी बेचारा हो गया अलग। तो अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बी सी के साथ से आपका अकेला हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां जाना पड़ा इसको, तो इस टाइप की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। सर एक एग्जांपल भी दिखा दो। चलो भैया एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ये सोडियम है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन अगर करे, तो भी सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे पता चलेगा, सर यही तो प्रॉब्लम है। तो क्यों चिंता कर रहे हो, हम हैं तो ना आपके साथ। तो NaCl और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी अलग, बैलेंस करना इसको आपका काम है, ठीक है, बिकॉज बैलेंसिंग तो बहुत एकदम बढ़िया मस्त सिखाई है आपको। ये एक एग्जांपल हो गया, बट इस टाइप के कितने सारे एग्जांपल याद करोगे। अब कोई लिख दे रहा है Cu, मैं अभी ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूँ ऐसा, और ये हो गया आपका फेरस सल्फेट FeSO4, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब क्या करोगे, अब बच्चों को रटा हुआ, बोले कॉपर आयरन को हटा देगा यहां से, कॉपर आयरन को हटा नहीं सकता बिकॉज वो उससे लेस रिएक्टिव है, सर यही तो नहीं मालूम, कैसे पता चलता है आपको। तो यहां पे आपका आंसर होना चाहिए नो रिएक्शन। तो इस पे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी, पहले क्वेश्चन सुन लो, या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव 2-3 एग्जांपल्स, या फिर ये कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है इनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर आपको रिएक्शन बनी बनाई दी जाएगी आधी और कहो इसको कंप्लीट करो। अब कंप्लीट करने में दो डाउट है, डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है और इस टाइप से नो रिएक्शन भी आ सकती है। तो इन सारी बातों को अगर आपको सही से सीखना है तो मैं ये कहूंगा कि आपको बस इतना पता चल जाए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। अब मेटल ही क्यों, नॉन मेटल भी तो आते हैं, तो मेटल वाले में तो सभी बताते हैं जो मैं बताने वाला हूं, एक ट्रिक है, बट नॉन मेटल वाला आपको पहली बार पढ़ने को मिलेगा मेरे साथ कि नॉन मेटल कौन किससे रिएक्टिव है और कौन कौन से नॉन मेटल हमें पढ़ने चाहिए क्लास 10th के लिए, वो सब मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको पढ़ने के लिए कौन सा बेसिक चाहिए हमको, ठीक है। फिलहाल ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, इसकी उल्टी रिएक्शन पॉसिबल होती है, यानी कि CuSO जब कॉपर सल्फेट से CuSO4 से आयरन रिएक्शन करता है तो आयरन क्या करता है CuSO4 को हटा देता है और बना लेता है FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। CuSO4 का कलर होता है बच्चों क्रिस्टलाइन ब्लू और FeSO4 का जो कलर है वो है लाइट ग्रीन। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन था
यानी कि जिस बीकर में भी आपने ये लोहा डाला होगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो थोड़ी देर बाद उसका कलर हो गया लाइट ग्रीन। एक वीडियो छोटा सा ऐड करेंगे अभी थोड़ी देर में, फिर आप उसको देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। तो FeSO4 का कलर हो गया लाइट ग्रीन। काफ़ी सारा क्वेश्चन ये इस पर आता भी है, कौन से टाइप की रिएक्शन है उसको डिफाइन करो। आयरन हमने एक सॉल्यूशन में डाला, वो ब्लू से ग्रीन हो गया, तो बताओ वो कौन सा सॉल्यूशन था, किस टाइप की रिएक्शन है और उसको डिफाइन करो। तीन चीज़ें हैं। तो भाई अगर आपने पता लगा लिया कि हाँ भाई इसका कलर भी इंपॉर्टेंट था, ब्लू से ग्रीन तो वही वाला होता है जो हमने ये पढ़ा था CuSO4 जब FeSO4 में कन्वर्ट होता है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करता है और आयरन मोल्टन स्टेट में मिलता है। अब ये बातें हो सकता है अभी आपको समझ में आती हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो बाई नेम एज इट इज आते हैं एग्जाम में, तो वो सब क्या है उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल एक्टिव है कौन सा मेटल एक्टिव नहीं है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। क्लास सेवेंथ में आपने एक चीज पढ़ी थी, क्लास सेवेंथ में क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। याद करने का तरीका हम बताएंगे, चिंता मत करो। रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको बताएगी कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। सर इसको रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, अभी याद करना पड़ेगा। फिर एक चैप्टर आएगा आपका मेटल नॉन मेटल, मैं कुछ रटाता नहीं हूं आपको मालूम है। मेटल नॉन मेटल जब आएगा तब जब हम वहां पर उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इन सब का रीजन बताऊंगा कि ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है और ये क्यों कम रिएक्टिव है। या फिर एक आएगा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिसमें पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। तो अभी बेटा लर्न करो, एक ट्रिक बता रहा हूं लर्न करने की, उसके बाद आगे वाले चैप्टर्स में हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो सर कैसे याद करें, तो मैंने एक याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इससे याद कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी है, कुछ एक इस तरीके का स्टेटमेंट है, ये आप मेरे साथ बोलेंगे प्राइवेट, ठीक है। मेरे साथ रिपीट करते हुए चाहिए, 10 बार रिपीट करोगे 11वीं बार में आपको याद हो जाएगी, गारंटी है इस बात की। 10 बार भी नहीं बोलनी पड़ेगी। प्राइवेट सेकंड क्लास, जल्दी जल्दी बोलो, प्राइवेट सेकंड क्लास, प्राइवेट सेकंड क्लास, प्राइवेट सेकंड क्लास, याद हो गया खत्म। उसके बाद ये एक नाम सा साउंड करता है, मास, MAZ मास। जब भी मैं ये बोल रहा हूँ भाई, जब आपने इंग्लिश के 26 अल्फाबेट याद कर लिए, ठीक है ना, 26 अल्फाबेट आपने याद किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, तो ये फिर मास और ITL याद करने में क्या प्रॉब्लम है। मास किसी का नाम है, ITL कोई कंपनी जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है ना, आयरन टाटा लिमिटेड ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसके नाम बनाता मैं तो बड़ा लेंदी सा हो जाता, मुश्किल हो जाता, तो इसको मैंने एज इट इज आपके अल्फाबेट में रखा है। प्राइवेट सेकंड क्लास मास ITL, प्राइवेट सेकंड क्लास मास ITL, बस खत्म। दो बार और बोलो। उसके बाद ही कैन मेक सम गन पाउडर, सम गन पाउडर, बस प्राइवेट। अब दो तीन बार बोलो मेरे साथ, प्राइवेट सेकंड क्लास मास ITL ही कैन मेक सम गन पाउडर। फिर से बोलो, प्राइवेट सेकंड क्लास मास ITL ही कैन मेक सम गन पाउडर। एक बार लास्ट बार, प्राइवेट सेकंड क्लास मास ITL ही कैन मेक सम गन पाउडर, हो गया याद। अब इनका मतलब क्या है, जब दो तीन बार इसका यूज करोगे फिर ये अपने आप ही याद हो जाएगी। तो प्राइवेट फॉर होता है पोटेशियम जिसका सिंबल है K, सेकंड फॉर सोडियम जिसका सिंबल है Na, क्लास फॉर कैल्शियम जिसका सिंबल है Ca, M फॉर मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg, A फॉर एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, Z फॉर जिंक जिसका सिंबल है Zn, बिल्कुल क्लियर। I फॉर आयरन जिसका सिंबल है Fe, T फॉर टिन, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, टिन की कोई रिएक्शन पड़नी नहीं है। तो मास IL ले लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम बनाने के लिए। तो टिन का जो सिंबल है SN, सर ये SN कहां से आया, टिन तो सुना नहीं आज तक। तो टिन का जो लैटिन नेम है दैट इज स्टेनम, स्टेनम, तो वहां से आया SN। लेड आप जानते हो प्लम्बम होता है, PB सिंबल। HE हाइड्रोजन, इसको पूरा लिख रहा हूं, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच अकर इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्यों लिया गया है, इसका फायदा बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था HCl। अब वो सारे एसिड के नाम याद करो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में याद कराए थे, H2SO4 और HNO3। एक्चुअली कोई ऐसा एसिड नहीं है जो हाइड्रोजन के बिना बन जाए, हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर एसिड, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन हो वो एसिड ही हो, ये हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी एसिड इज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, बट एवरी कंपाउंड विच कंसिस्ट हाइड्रोजन इज नॉट एन एसिड। ये जरूरी नहीं है कि भाई जिसमें हाइड्रोजन हो, जैसे ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, तो यहां पर हाइड्रोजन तो है ग्लूकोज में, बट ग्लूकोज तो एसिड नहीं है। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो एसिड होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एसिड में हाइड्रोजन कंपलसरी है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन है।
अब इससे फायदा ये होगा कि जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं वो सारे इन एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से आपको ये फायदा हो जाएगा कि कोई सा भी एसिड उठाइए और इससे ऊपर वाला मेटल ले लीजिए, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिए, सॉल्ट बनाइए और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दीजिए। बात खत्म हो जाएगी यहीं पर, यही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? अब कैन फॉर क्या था? तो कैन फॉर होता है कॉपर। अब सर कंफ्यूजन होगा कि कैल्शियम भी सी से है और ये कॉपर भी सी, तो इसमें कैसे करेंगे? देखो कॉपर बहुत लो रिएक्टिव मेटल है, कॉपर के वायर आते हैं, कॉपर लो रिएक्टिव है, उसके वायर बनाते हैं, वायर कॉपर को खुला छोड़ दीजिए किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, कैल्शियम को खुला छोड़ दीजिए वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लग सकता है कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर सॉरी ऊपर वाला कैल्शियम होगा, नीचे वाला कॉपर होगा। अब मेक क्या है सर? मेक है मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है HG, कॉपर का सिंबल Cu, मरकरी का सिंबल HG, सम फॉर सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag, गन, गन का मतलब गोल्ड, सिंबल Au, और पाउडर मतलब प्लेटिनम, इसका सिंबल Pt। ये Au और Pt दिख रहे हैं, इनको नॉबल मेटल्स कहते हैं, देख रहे हैं कितना नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ये जो मैंने एरो बनाया ये नीचे की तरफ बनाया, इसका मतलब ये है बच्चों रिएक्टिविटी डिक्रीजेस जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, एज वी गो डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो हर ऊपर वाला मेटल नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि हर ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बट नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इतना अगर आप पढ़ लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक याद करने की ट्रिक बना दी है, इसको नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, अपने नोट्स में जरूर इसको मेंशन कर लीजिएगा। खत्म। अब इसके बेस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? क्या एग्जांपल्स हैं? मान लीजिए मैंने जिंक लिया और यहां पे H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड है। एक फॉर्मूला दे देता हूं आपको, जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करेगा, सारे मेटल नहीं है, वो मेटल एक्टिव होना चाहिए, कंडीशन हर जगह है, वो मेटल यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर का होना चाहिए, तो पक्की बात है ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये आप इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले में भी एग्जांपल डाल सकते हैं। तो ये हो गई एक ट्रिक, ये हो गई एक शॉर्ट फार्मूला, शायद मैंने बताया था पिछली बार, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल यहां से क्रिएट हो जाएंगे। सोडियम के साथ मैं ले रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं ले रहा हूं सोडियम, साथ में ले रहा हूँ नाइट्रिक एसिड HNO3, एक्वस सॉल्यूशन लिखना जरूरी है क्योंकि बिना पानी के वो एसिड रहेगा नहीं, तो हाइड्रोजन को वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा? NaNO3 बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा? साथ में हाइड्रोजन गैस। अब इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया CuSO4, कोई सल्फेट सोल्यूशन ले लीजिए, मैंने पिछली बार आयरन लगाया था, अब क्या लगाते हैं? मान लीजिए जिंक लगा देते हैं, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड विल फॉर्म, क्या बनाएगी? तो सीधी सी बात है, बनेगा ZnSO4 और साथ में कॉपर हो जाएगा अलग। ठीक है, तो वो वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। किसको याद रखिएगा? FeCuSO4, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एज अ रिएक्शन भी पूछी जाती है। तो इसका कलर होता है भाई शाइनिंग ब्लू, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन ब्लू, और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा FeSO4 और इसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन, इसको डर्टी ग्रीन भी बोलते हैं, गंदा ग्रीन, लाइट ग्रीन, और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर की जो है वो प्लेटिंग हो जाएगी किसके ऊपर? आयरन आर्टिकल के ऊपर। एक चाबी को एक हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखिए। Now place 2 bright soft iron nails into the solution and observe. The nails soon turn reddish brown while the solution turns slightly green. After a while, what happened was the iron from the nails replaced the copper sulfate solution and formed iron sulfate, and the displaced copper precipitated out and settled on the iron. The nails therefore changed the color of copper while the solution showed the characteristic green color of ferrous sulfate. So, देख लिया वीडियो क्या हुआ उसमें, जो मैंने बताया था वही हुआ। आयरन आर्टिकल को जब किसी भी हम कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन और कॉपर की उसके ऊपर कोटिंग भी हो जाएगी गोल्डन गोल्डन कलर की। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आप पहचान जाओगे किस रिएक्शन की बात हो रही है। एक इसके साथ और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस रिएक्शन का अपना नाम है, एक्चुअली एक टाइप की वेल्डिंग है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं थर्मेट प्रोसेस।
एक्चुअली थर्मिट एक वेल्डिंग का नाम है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, हमको पढ़ाया गया था थर्मिट वेल्डिंग, पूरा चैप्टर होता है इस पर थर्मिट वेल्डिंग कैसे होती है। तो थर्मिट वेल्डिंग एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है या बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हैवी आयरन ब्लॉक्स को जोड़ा जा सकता है, जैसे रेलवे की लाइन, रेलवे गिर्डर्स, बड़े बड़े आयरन के ब्लॉक। भाई इतने बड़ा कोई इतना बड़ा लोहा है उसको पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, नॉर्मल वेल्डिंग नहीं होती है। तो क्या होती है वहां पर, वहां पर होता है थर्मिट प्रोसेस। मान लीजिए रेलवे लाइन की पटरी रेलवे पे पड़ी हुई है तो उस पे क्या आ जाती है, रस्ट आ जाती है। रस्ट क्या है भाई, तो रस्ट आप जानते हो, रस्ट है आपका Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है ये भाई। अंदर आयरन के अंदर तो रस्ट नहीं है, लेकिन ऊपर वाली लेयर तो पूरी ब्लैक ब्लैक सी, ब्राउन ब्राउन सी हो ही जाती है, आपने देखी होंगी रेलवे लाइंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कोई डिस्कस नहीं करता यहां पर। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, अगर इसको हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करें, लेकिन इसको आपको कुछ देर तक हीट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ देर तक हीट करने के बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होती है अपने आप। तो जब आप इसको एक डिजाइड टाइम तक हीट करेंगे तो एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत ही क्या होगा, विगरस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसमें से एकदम आग निकलने लगेगी अपने आप ही। ठीक है, बहुत सारी आग निकलने लगेगी जब आप एक इसको एल्यूमिनियम पाउडर डाल के उसको थोड़ी देर गर्म कराइए। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा वो Al2O3, और इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, आयरन डिस्प्लेस तो हो जाएगा लेकिन वो आयरन इतना हॉट हो जाएगा कि वो लिक्विड हो जाएगा। इसकी यही खासियत है इस रिएक्शन की, या लिख रहा हूं मैं मॉल्टेन आयरन, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि वो मॉल्टेन स्टेट में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, एक ब्लॉक होता है जहां पे उनको वेल्डिंग करनी है, उसको ऐसे ब्लॉक में बंद कर लिया, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है आयरन का, एक ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर डाला और उसको अपने पास से हीट कराया, फिर वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो ये दोनों ब्लॉक पिघल जाते हैं, फिर इनको जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद उसकी ग्राइंडिंग व्राइंडिंग करके उसको शेप में ला देते होंगे। यहाँ पर भी एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मिट। ठीक है, देखिए वीडियो। तो वीडियो देख लिया आपने, अब समझ में आ गई होगी पूरी प्रोसेस कि थर्मिट प्रोसेस क्या है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और वो मॉल्टन आयरन हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जो आप समझ जाओगे कि भाई सर ने ये पढ़ाया था, इसी रिएक्शन की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि पोटेशियम क्लोराइड है और रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन से, ठीक है, या फ्लोरीन से, अब बताओ क्या बनेगा। तो कहोगे सर ये है नॉन मेटल, ये मेटल नॉन मेटल, अब समझ नहीं आ रहा, अब क्या करोगे। तो मैं ये कह रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया सब कॉमन मान लो, हर कोई पढ़ाता होगा, हर कोई पढ़ाता होगा, चाहे आपको कुछ नया लगा हो, मैंने थर्मिट प्रोसेस पढ़ाया, हो सकता है नया लगा हो, लेकिन पढ़ाना चाहिए था। एनीवेज, अब ये मैं बता रहा हूं नॉन मेटल की रिएक्शन या नॉन मेटल की रिएक्टिविटी आपको समझाई गई है, नहीं समझाई गई होगी। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसका भी रीजन आपको आगे जाके पता चल जाएगा। ये जो पहले लिख देता हूं, फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। ये पीरियोडिक टेबल में आपको एक ही ग्रुप में मिलेंगे, सबसे ऊपर होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और एक और होता है एस्टेटाइन। पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो 17 ग्रुप में देखना, ऐसे जो पीरियोडिक टेबल होती है, ये लास्ट वाला ग्रुप हो गया 0 ग्रुप और 18 ग्रुप, 17 ग्रुप में देखा, ये लाइन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजिन एलिमेंट्स या हेलो एलिमेंट्स, हैलोजिन, हैलोजिन मान लीजिए। हैलोजिन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, ये बहुत आगे की मैं बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि एक पॉइंट भी छूट जाए, एक सिंगल पॉइंट। हैलोजिन, हैलोजिन का मतलब होता है, एक वर्ड से आया,
सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, तो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, तो इनको हैलो ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनको सॉल्ट प्रोड्यूसर क्यों बोला गया? जब ये मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट का मतलब मैंने कहा था नमक नहीं है, ठीक है। सॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कैटाइन और एनाइन हो, ठीक है, और मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन से भी बनते हैं, और भी कई सारी रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट, तो वहां पे डिटेल में समझ आएगा। देखो क्लोरीन ने पोटेशियम से रिएक्शन किया ना, क्या बना? KCl। सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, क्या बना ना? NaCl। तो ये सारे सॉल्ट क्रिएट करते हैं, तो जब ये मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनका नाम हैलोजन एलिमेंट्स रखा गया, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। अब सब इसी टाइप के आपसे पूछे जाएंगे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं आती है। सबसे रिएक्टिव है फ्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव है क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन और आयोडीन से नीचे। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे पीरियडिक टेबल में तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती होती जाती है। क्यों होती जाती है इसका एक रीज़न है, बट वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो जब पढ़ाएंगे टॉपिक आएगा तब समझ जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बस इतना। अब ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है किससे? क्लोरीन से। तो साफ दिख रहा है भैया जो क्लोरीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन बाद में आ रहा है ना, देख पा रहे हो ना, ब्रोमीन जो है वो बाद में आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है पहले। तो यहां पे नो रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, नो रिएक्शन। अब दूसरा बनाता हूं मैं बनाता हूं पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, और इसकी रिएक्शन कराता हूं फ्लोरीन से या क्लोरीन से। अब रिएक्शन हो जाएगी, अब बन जाएगा KCl और ब्रोमीन हो गई अलग, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए मैं बनाता हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, रिएक्शन कराता हूं फ्लोरीन से F2, तो ये बन जाएगा NaF, सोडियम फ्लोराइड, और साथ में क्लोरीन गैस हो जाएगी अलग। समझ आ रही है बात? तो ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, भाई है नॉन मेटल, बट उसके लिए इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी नहीं है। अब आप पता लगा लोगे कि कहां रिएक्शन होनी है और कहां रिएक्शन नहीं होनी है। अब चलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों आइए अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज दियर आयंस, एक्सचेंज दियर आयंस, यानी कि सारे आयनिक कंपाउंड होंगे और वो अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। अब क्या मीनिंग है? एक मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया था वो कलर चेंज वाले में और प्रेसिपिटेशन में एक एग्जाम्पल दिया था इसका, अगर आपको याद हो, जैसे PbNO3 लेड नाइट्रेट, और एक है अपने पास पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी इसका एक्वस सॉल्यूशन मान लीजिए। अब जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, अब लेड नाइट्रेट के आयन बनाइए देखिए, तो Pb2+ होगा और NO3- होगा। इसका मतलब क्या है भाई, बता दे रहा हूँ, एक्सचेंज दियर आयंस, पोटेशियम का K+ होगा और ये होगा I-, ठीक है, तो ये अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये बन गया लेड आयोडाइड PbI2, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये आपको पढ़ाया गया था, प्लस के NO3 से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा KNO3, यानी के पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? येलो प्रेसिपिटेट है तो सॉलिड है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफी सारे एग्जाम्पल है, दो चार एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बस दिस इज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2-3। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए जब कोई बेरियम क्लोराइड, कोई कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड, जब ये रिएक्शन करेगा मान लीजिए सोडियम सल्फेट से Na2SO4, तो इसमें भी आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, भाई बेरियम चले जाएगा सल्फेट के साथ, क्या बन जाएगा? BaSO4, दोनों की वैलेंसी 1 है, और ये इधर बन जाएगा हमारा NaCl। बात खत्म हो गई, बन गया ना एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यह मैंने लिया AgNO3, ठीक है, यानी कि क्या है ये? सिल्वर नाइट्रेट है, और इधर मैं ले ले रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड, ले लेते हैं CaCl2। अब इसमें आयन एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इधर बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए, एक ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एक है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो जब ये बच्चों रिएक्शन करते हैं आपस में तो बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का Al और OH का बन जाएगा होल थ्राइस, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT, और साथ में क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl।
तो इस टाइप से रिएक्शन आप बहुत इजीली बना लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स एक सिंगल टर्म नहीं है, ये दो टर्म से मिलकर बना है। जो आरईडी है उसका मतलब है रिडक्शन, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, और ओएक्स मतलब ऑक्सीडेशन। बट ये दोनों म्यूचुअल टर्म्स हैं, यानी कि जहां रिएक्शन में रिडक्शन होगा किसी सब्सटेंस का, वहां ऑक्सीडेशन भी होगा। अब ये बात समझने के लिए आपको पहले इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी और उसके बाद एग्जांपल, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री में ऑक्सीजन के बेस को उस पे इसको डिफाइन किया गया, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी डिफाइन किया जाता है, जो मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको थोड़ा सा, बट यहां पर अभी मैं ऑक्सीजन के बेस पे आपको समझा रहा हूं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेस पर क्लास 10th में बेसिकली डिफाइन किया जाता है, बट क्लास 11th में फिर चैप्टर आएगा रिडॉक्स रिएक्शंस, वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इसको देखते हैं पहले। तो ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस था, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट था, कोई सब्सटेंस था, वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी रिएक्टेंट में, जब वो सब्सटेंस कहां पहुंचा, प्रोडक्ट में पहुंचा, तो वहां पे ऑक्सीजन जुड़ गई जाके। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, या फिर और दो प्रोसेस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2 लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, फ्रॉम अ सब्सटेंस, मतलब जब वो रिएक्टेंट में था तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी, मान लीजिए जब वो प्रोडक्ट में पहुंचा तो उससे हाइड्रोजन हट गई। दोनों ही केस में हम बोलेंगे इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, या तो उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाए या उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तब बच्चों क्या कहिएगा? तब कहेंगे कि सर उसका ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब रिडक्शन पढ़ते हैं। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब शॉर्ट में लिखूंगा मैं, रिमूवल ऑफ O2 फ्रॉम अ सब्सटेंस, और एडिशन ऑफ H2 टू अ सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। रिएक्ट, मान लीजिए रिएक्टेंट में कोई सब्सटेंस था और जब वो प्रोडक्ट में पहुंचा तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट में उसके पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था लेकिन जब वो प्रोडक्ट में पहुंचा तो ऑक्सीजन हट गई। या दूसरा तरीका, जब वो रिएक्टेंट में था तो उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, बट जब वो प्रोडक्ट में पहुंचा तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई, यानी कि हाइड्रोजन भी आने लगी साथ में। तो दोनों ही केस में हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। फिलहाल ये ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन के बेस पे क्या होती है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट अप करिएगा आप, ठीक है, हाइड्रोजन जब पास कराएंगे तो क्या होगा, ये आपका H2O बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन आपको दिखाया भी था और समझाया भी था पिछले लेक्चर में, फिलहाल उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इसको देख रहे हैं किसके एस्पेक्ट से देख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो देख रहे हैं ये कॉपर ऑक्साइड था, कभी हुआ करता था, अब क्या हो गया? सर हाँ साफ दिख रहा है, अब समझ में आएगा आपको। तो कॉपर ऑक्साइड होता था लेकिन अब कॉपर रह गया, यानी कि मैंने कहा था रिएक्टेंट में इसके पास ऑक्सीजन थी बट प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन हट गई। तो इसको मैं ऐसे करके पढ़ाता हूं बच्चों को ताकि समझ में आ जाए। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि रिमूवल ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है यहां पर। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्टेंट में होते हैं, याद रखिएगा, प्रोडक्ट में नहीं। इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटी है तो इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। कौन सा सब्सटेंस है? कॉपर ऑक्साइड। बोलेंगे कैसे? When copper oxide react with hydrogen, then copper oxide is reduced to carbon. क्योंकि reduction हो गया तो बोलेंगे reduced to carbon. अब देखिए, ये बेचारे H2 हुआ करते थे, बेचारे नहीं, इनका तो फायदा हो गया ऐसा बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऐसा लग रहा है ना कुछ फायदा सा हो रहा है, और रिडक्शन ऐसा लग रहा है इसे नुकसान हो गया कुछ, ऐसा नहीं है, वो मन में ऐसा वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन होती थी, अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्टेंट में हमें क्या दिख रही है, सॉरी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन होती थी, प्रोडक्ट में हमें इसके साथ ऑक्सीजन भी दिखाई पड़ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, देर इज एडिशन ऑफ O2, क्योंकि अभी हाइड्रोजन के केस नहीं है, अभी ऑक्सीजन के बेस पे डिफाइन हो रही है। एक रिएक्शन दिखाएंगे जो हाइड्रोजन के एडिशन पे और रिमूवल पे आएगी, तो अभी ऑक्सीजन का केस आ रहा है इसमें, तभी तो दो दो डेफिनेशन पढ़ाई है। तो एडिशन ऑफ O2 हो गया, और एडिशन ऑफ O2 क्या कहलाएगा? एडिशन ऑफ O2 क्या कहलाएगा? सर सिंपल ऑक्सीडेशन। तो इसको कैसे पढ़ोगे?
When copper oxide react with hydrogen, then hydrogen is oxidized to water. Hydrogen का oxidation हुआ है, water का नहीं. यानी कि oxidation and reduction always occur in reactant, not in product. इतनी बात याद रखिएगा ये बात. ठीक है, अब पूरी रिएक्शन को एक साथ बोलते हैं. When copper oxide react with hydrogen, then copper oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to water. बस हो गया. अब सर वो बता दीजिए जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? एजेंट जो काम करके देता है वही तो होता है एजेंट. बीमा एजेंट होते हैं ना, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, और बहुत सारे एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी के एजेंट होते हैं जो काम करवाते हैं ना बीच में. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सिक्योरिटी के एजेंट होते हैं, और अंडरकवर एजेंट होते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं ना, अपने काम को अंजाम देते हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का. किसकी वजह से हुआ? जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें ऑक्सीजन मिली. इसको ऑक्सीजन दी किसने? अगर ये ऑक्सीजन देता ही नहीं, ये वाला चीज, अगर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देता ही नहीं, तो हाइड्रोजन का कभी ऑक्सीडेशन होता? कभी नहीं होता. तो दो सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वो वाला एग्जाम्पल वहां बता दूंगा. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? दो सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गिव्स O2, देते हैं और रिमूव्स, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, इन जिनकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, ठीक है? अब हाइड्रोजन वाला एग्जांपल आएगा तब इतनी चीज समझ में आएगी. आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं. अभी हाइड्रोजन वाला एग्जांपल आएगा तब बताऊंगा कि भाई उसने रिमूव कैसे किया. तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, यानी कि इनकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब सिंपल सी प्रोसेस याद करने का तरीका, अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लगा लें तो सिंपल सी बात है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें हुआ है ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें हुआ है रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दो सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसमें हुआ है रिडक्शन वही है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ लेना बात को. इसने ऑक्सीजन दिया था ना, तो इसमें रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन देने की वजह से. तो जो रिडक्शन जिसमें होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पक्की बात है. अब समझिए प्रोसेस, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसी का जस्ट उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या था? दो सब्सटेंस विच गिव्स O2, जो ऑक्सीजन दे रहा है. तो यहां पे वही हो जाएगा, दो सब्सटेंस विच गिव्स, ये O2 दे रहा था, ये हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए. वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था, ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल ही तो कहलाता है रिडक्शन. तो दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन आर नोन, आर कॉल्ड, आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहां पे देखिए, हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहां पर? हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, यहां वाले हाइड्रोजन से लिंक मत करिएगा उसको. मान लीजिए कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है एक्स, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है यहां से, खुद ले रहा है ना. तो कॉपर ऑक्साइड से अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, खुद ले लिया ना. तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे. तो यहां भी हम ऑक्सीजन के एक्सपेक्ट से देख रहे हैं. हाइड्रोजन वाले अभी दूसरा एग्जांपल आएगा वो दिखाते हैं. या फिर सिंपल क्या भाई सर, सिंपल क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट, देखो रिडक्शन किसमें हुआ? कॉपर ऑक्साइड में. किसकी वजह से हुआ? यहां से कॉपर, यहां से ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से. कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुई. इस ऑक्सीजन को रिमूव करने की वजह कौन बना? हाइड्रोजन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. सिंपल सी बात है. एक एग्जांपल और बनाता हूं, देखिए. तो देखिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहां पर, एग्जांपल नंबर 2, जिससे आप हाइड्रोजन वाला केस आसानी से समझ जाएंगे. एक हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर अलग हो जाता है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, H2S जो था वो सिर्फ S रह गया. देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन होती थी, अब हाइड्रोजन नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है हाइड्रोजन. यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है,
आपको प्रोडक्ट में जाकर देखना क्या ऐड हुआ क्या रिमूव हुआ। तो एस टू एस होता था, अब एस रह गया, यानी कि रिमूवल हुआ है, लॉस हुआ है। किसका लॉस हुआ यहां पर? हाइड्रोजन का। और जब हाइड्रोजन का लॉस होता है यानी कि रिमूवल ऑफ एच टू फ्रॉम अ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या तो हाइड्रोजन हटे या ऑक्सीजन जुड़े। दूसरा क्लोरीन होता था, क्लोरीन में गेन हुआ है, हाइड्रोजन का गेन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलिएगा? रिडक्शन बोलिएगा। अब सिंपल सी अगर बात करें तो जिसमें होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये, और जहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे लिख देते हैं शॉर्ट में रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए पूरा ही हो गया ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके। अब इसको समझते हैं। अभी तो ये हमने याद कर लिया भाई, जिसमें रिडक्शन होना है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिए, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल दीजिए। एग्जाम में भी आप ऐसे कर लीजिए, जल्दी करनी होगी, टाइम आपको बचाना है, बट बात समझिए। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया है, ठीक है। दो सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया H2S से, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन हो पाया। तो ऑक्सीडेशन क्लोरीन में के हाइड्रोजन को रिमूव करने से हुआ, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। जो अभी मैंने किसकी डेफिनेशन लिखी थी, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखी थी। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला था। अब इसकी देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन दिया रिडक्शन के लिए, तो दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देते हैं, समझ पा रहे हैं बात को? तो दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, दो सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है यहां से, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन के बेस पे। ये हाइड्रोजन को दे रहा है यहां पर रिडक्शन के लिए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात हो गई खत्म। अगर इस तरीके से आप समझना चाहें तो ये बेटर तरीका है, वरना रटने को आप तो आप रटते रहिए। एक एग्जांपल और यहां पे लूंगा मैं। ये मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है, इसको कार्बन की प्रेजेंस में थोड़ा सा अगर आप हीट करेंगे तो ये जिंक हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड होता था, क्या रह गया? जिंक रह गया, यानी कि ऑक्सीजन हट गई। तो यहाँ पे अभी डायरेक्टली लिखूंगा मैं, ऑक्सीजन का हटना ही इसमें क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जिंक इज रिड्यूस टू जिंक, सॉरी जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। अब यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, अब इधर जगह नहीं है, ऐसा करके पहुंचा देता हूँ इसको। कार्बन सिर्फ कार्बन था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गया इसको ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि ये भाई ये रिएक्शन है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, यानी कि नेम द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, नेम द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट एंड नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार चीजें पूछी जाएंगी। तो इतने एग्जांपल काफी हैं इसको समझने के लिए। फिलहाल ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहीं पर होती हैं खत्म। एग्जांपल को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसका रिविजन करिए बिल्कुल बिंदास, बहुत अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।